हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए से ब्रांड न्यू ब्लॉग में। धीरू भाई आ चुका है आपके पास फिर से एक नया ब्रांड न्यू ब्लॉग लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं, धीरू भाई को एकदम सर धर से आ चुका है काम करने और आपसे मिलने। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, अगर मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं, यानी असोज लगना शुरू हो चुका है और असोज आने ही वाला है। असोज लगी गया है, समझ लो आप, आने ही वाला है। क्या है, असोज लगी गया है। तो इसीलिए हमारा भी काम जबरदस्त ढंग से चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तौलिया का गमछा एकदम हमारे कंधे पे सजा हुआ और हम भी एकदम अपने काम पे सजे हुए। जैसा अभी भी जा रहे हैं नीचे को और अभी पहुँचे हम चमली बगीच के रोड पे। और यहाँ से आज हम इधर को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर को, इस साइड को जाएंगे आज। और आपको जाएंगे हम कहाँ, शोरूम में जा रहे हैं हमने, क्योंकि शोरूम में हमने जाना है आज गुढ़ा खूब सारे। यानी आज हमने जितने शोरू के खेत हैं हमने सबकी सफाई करनी है। यानी मडुआ हडुआ जितना जो जो चीज़ हो रखा है, मडुआ हडुआ सब इकट्ठा, जितने खेतों में हो रखा है वो सब इकट्ठा करके हमने लाना है अभी गाड़ी में। तो पहले हम सब इकट्ठा करके, हमारा प्रोसेस ये है कि आज का बता दें हम आपको, हमारा प्रोसेस ये है कि अभी हम जाएंगे यहाँ से शोरूम में जाएंगे। शोरूम में जाने के बाद हम जाएंगे, हमने पूरे जितने खेतों में मडुआ बोया है, यानी मडुआ उगाया है, वो सब कटा हुआ है एकदम फिट है। अब उसको गुढ़ा बना के हमने लाना है रोड में, रोड के किनारे लाना है। और रोड के किनारे लाना, फिर गाड़ी को कॉल करेंगे, मतलब गाड़ी वाले को बुलाएंगे, टेम्पो वाले को और पिकअप वाले को, उसको फिर पिकअप वाले को बुलाएंगे। और उसके बाद वो आएंगे और गाड़ी में भर के पूरा एक साथ इकट्ठा करके हम आपको आज रोड की भी सैर कराएंगे अपनी गांव की। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, आज का ब्लॉग होने वाला है एकदम धमाकेदार, मज़ेदार और मस्त। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जा रहे हैं घास के बीच से, और घास के बीच में आप देख सकते हैं कितनी हरियाली के स्थान जा रहे हैं। अगर इसमें सांप हाम निकल गया तो हमारी मौ लग जाएगी, मौ समझ आए, तो मौ लगना मतलब मुसीबत आ जाना, वो उसे कहते हैं हम पहाड़ी में मौ लग जाए, भर ढगर मौ लग जाए, ये ऐसा कहते हैं जब मुसीबत, बड़ी मुसीबत आ जाए तो मौ लग गए हैं, है ना। तो ऐसी हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं हरियाली के साथ इन सुंदर सुंदर फूलों को, ऐसे इन्हें हम बचपन में से खेला करते थे, जैसे ये है ना ऐसे अड़ूड़ा, अरे उड़ा, ऐसे ही खेला करते थे। तो गाइस, इतनी भयंकर धूप जैसा आप देख रहे हैं, और इसमें धीरू भाई हो जा रहा है काला एकदम, काउपट होगा, काउपट नहीं ना कोयल जस्ट वॉश रामों को मैं मुखर, इसीलिए छुप छुपा के एकदम गोरा हो रहा है ना, गोरा गोरे के लिए ये करना पड़ रहा है भाई साहब, काउपट हो के फैद अल गोरहन जानू यार, काला जामु को मैं काम करते रहते गोरहन जानू। और को सुनो बात, क्रीम पाउडर है घसनी किलन ने, क्रीम पाउडर छोड़ रहा था कादे घसूल ये तो 3:49 मतलब 4 बजने वाले थे। और घाम देखो तुम, आग लगा लो, आग जो तो आनी में आग लगा लो, वो देखो धूप। ये बात है, जिस दिन हमारे घर में काम होता, मतलब हम कुछ काम बनाएंगे, मतलब जैसे कभी हमने घास नहीं जानी हो, कुछ का भी काम होना, ये घाम ये तो तेल लगाओ ना, मेरा ली लाग सब पता ना क्या ली लागू मेर, और यक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। हाँ यार, जब मैं काम गया नु तिख घाम लगा, तिख रात बती आज हर चीज बाधू लाग रही, दीवाने में हर चीज 1 बजे तक, और शायद काम गए मुझ को यार घाम लग गो बाबा। आ चुके हैं
अपने भेड़छड़ में, और हमारे लिए काम भी तैयार रख दिया है मम्मी ने। ये देखो अपना दूसरा अंगूठा लगाने चली गई है, और ये हमारे लिए है, और इधर ये देखो बूंग लगे हुए हैं सारे के सारे, और हर जगह लगे हैं, हर जगह। और करते हैं फिर काम थोड़ा। तो गाइस ये दो पटाव पूरे हमने खाली कर दिए हैं, मतलब गुठा जितने गुठा थे वो सब रोड में रख दिए हैं, और अब थोड़ा आराम कर रहे हैं, पानी ड्रिंक ब्रेक वाटर ब्रेक हो रहा है, तो वो उस लिए बैठे हैं यहाँ पर हम, मतलब मैं ही बैठा हूँ अभी, तो मम्मी वो गुठा रखने गए हैं। और उसके बाद हम बताते हैं असोच चीज़ होती क्या है। असोच की बात हुई है तो असोच होता क्या है ये बताते हैं हम। असोच लगभग 2 से 2.5 महीने पहाड़ी लोगों की ऐसी तरह से पिसाई होती है, काम में इतना काम होता है क्या बताएं, ना रात की खान ना ब्याह क्षण है, समझे सर, ना सुबह खाना अच्छे से हो पाता है ना रात को सोना अच्छे से हो पाता है, ऐसा होता है। और इतना काम होता है कि क्या बताएं, रत्ती बत्ती लहा देनी, रत्ती 5 बजे पर काम पर लग जाओ, रात हैं 10 बजे छुटनी, ऐसा होता है। और फिर ऐसी 2 से 2.5 महीने लगातार ऐसी कसरत चलती रहती है, और अच्छे ढंग से पिसाई चलती रहती है, और उसमें हम जैसे मासूम लड़के भी पिस जाते हैं। और हमारी हालत देख सकते हो, ऐसी हो जाती है, ऐसी। अभी तो कुछ हुई नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी पिसाई हो जाती है कि क्या बताएं, क्या ऐसा जाता है अपने, मतलब आटे से बुरी हालत हो जाती है भाई साहब, बहुत अच्छे ढंग से खिंचाई पिसाई सब हो जाती है हमारी, और अभी भी हो ही रही है, क्या बताएं, जैसे आप देख रहे हैं। मम्मी आ गई है, गुड़ के कैसा लगा, एक घुड़ा बता ऐसे पैसे छूट गई ना यार, बादल मत कीजिए, तू करना ना लेकिन वो हरा मैं आज कर रहा हूँ तुम्हें। एक घुड़ा बता ऐसे पैसे छूट गई, हाँ मैं तब 10 बार घुड़ा सारे ली 15 साढ़े 9। हाँ तो क्या कर, कहाँ से आओ, 16 लाख रुपये। क्या कर जहाँ से, क्या खोर कच्चा काम। तो गाइस आपसे विनम्र निवेदन, इस वीडियो को पहाड़ों में पहाड़ी जनता में पहाड़ी लोगों में इतना शेयर कीजिए कि जितने भी अभी हमारे असोजी कार्यकर्ता हैं, समझ रहे हैं, असोजी कार्यकर्ता जो अभी एकदम अपने कार्य पे जुटे हुए हैं, कार्यरत हैं और 2 महीने तक बिजी हैं, उनके पास ये पहुँचे और उनकी ये कहानी वो भी देखें, आप भी देखें, सब देखें, इतना शेयर कीजिए कि उन सभी को ऐसा महसूस ना हो कि वो अकेले काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनके साथ और भी पूरे लाखों लोग कार्य कर रहे हैं पहाड़ों में और असोज में एक साथ काम पे जुटे हुए हैं। हम पहाड़ी असोजी कार्यकर्ता हैं, # असोजी कार्यकर्ता, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं फिर से कार्य करने, और आप भी अपना कार्य करें, हमें भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इस साइड आप देख सकते हैं ज़्यादातर सोयाबीन खेती है, चारों तरफ सोयाबीन दिख होंगे, यहाँ मडवा कम है, सोयाबीन ज़्यादा है, और सोयाबीन खेती आप देख होंगे, ये देखिए इन्होंने धान ना मान लिए, धान मान में प्रॉब्लम इफ्टार लग गए सब। और एक गुड़ा हमने यहाँ पर रख दिया है, यानी आम के पेड़ के लिए डुबिन हो के यहाँ पर, और एक गुड़ा तो आप जानती हो ऊपर का, मतलब वहाँ जितना ऊपर साइड था ऊपर रख दिया है, और नीचे साइड का एक गुड़ा यहाँ पर, एक गुड़ा एक चक्कर और बाकी है, और एक चक्कर के बाद हम खेतों की जो इधर उधर भागी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका गाड़ी का इंतजार है, गाड़ी कब आएगी, गाड़ी में फिर भरना होगा, ये चीज़ रहेगी बाकी, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। हैं मैं अपने असोजी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि निराश ना हो, आपकी जो मेहनत है वो फल ज़रूर लाएगी, या बहुत ही अच्छे ढंग से आप मेहनत करते रहें और आपका फल 2 दुना 4 चौगुना होगा, यानी कि आपकी मेहनत असोज के बाद आपके घर में भकार भर देगी, यानी
बोरी बोरी भर देगी तुम्हारे अंदर घर के अंदर मंडुए के चाव के धान के, और धान धान के चूर खाओगे, दिन में भात खाओगे, रत्ती ब्याव मंडुए रट खाला और के चाहे, इसीलिए मेहनत करते रहो। हम वो तो कह नहीं रहे आप धान या के खाओ धान, ये बताओ थे यूँ तो खुद ही नल्ले के धान खाओ ना चाव खा लें और मनु तो पूछो ना। खत्म होकर हार खत्म। और पर आप चिंता नहीं करें, आपको यहाँ ज़्यादा हो गए तो मेरे वहाँ सप्लाई करें, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो गए तो मेरे वहाँ सप्लाई कर देते रात भर बोरी बोरी सप्लाई कर देना, ठीक है। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, इस बार की धान कराई जारी है, देखिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार की धान के बारे में? आप क्या कहें, चौटे से नहर आई नहीं, बारिश हुई नहीं, ये है धान हमारे, पानी आया ही नहीं चौटे से, ना ना बारिश हुई ना नहर आई इस बार, और धान खत्म ही हो गए पूरे, जैसे आप देख सकते धान के हाल खत्म है, ऐसे धान हो रहे ऐसे ही हो रहा है, ना मनु भल रहा ना धान भल रही ना के भल रहा को के नहीं हो रहा भल भट के लिए आ रहा है के नहीं आ रहा है बहुत बार फूल ला रहा अब जो है ही नहीं है दो बजा सब खराब हो, ये वाला मौसम, इस बार का मौसम को समझ ही नहीं आया, सब दो से दो हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। जा रहे हैं विपिन आ गए हमारे रोतली को, जा रहे हैं रोतली, जा रहे हो मधु का नोवा लेने के लिए, और ये देखिए यहाँ पर भिंडी भिंडी और सूरज के सामने लग गए हैं बादल, यानी छाया, हमें मिल चुकी है छाया, और छाया के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ेदार अच्छे ढंग से मज़ा आ रहा है, फिर ठंडी छाया मतलब मज़ा आ रहा है मज़ा। और जैसा कि ये मेरा है लास्ट चक्कर, सभी का लास्ट चक्कर मतलब हमने तो पूरा सहार लिया है रोड में, और लास्ट चक्कर है ये, और अब इंतज़ार करेंगे गाड़ी का, गाड़ी को बुलाएंगे फिर कब तक आती है देखेंगे, उसके बाद गाड़ी में चलाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं और रास्ता आगे से है, और हम भी जा रहे हैं, और गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, ये 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 गाड़ी आ गई, ये आ गई, जिंदगी आ जाएगी, जिंदगी उन्होंने अभी बदलाव की आ जा रही है। और गाइस 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 उठो, हम रख दिया है और हम जा रहे हैं अभी ऊपर को वापस, आ जाते हो गिरना जाऊँ बता दे रहे हैं, और हमारी गाड़ी निकल चुकी है, और हमने एक एक साइड का, एक साइड का रख दिया है इसमें नो, और आप दूसरे साइड का नो है, बाकी क्या देखते हैं, और उसके बाद आ जाएंगे, हम जा रहे हैं मासी गाँव के रोड में, ये ये, 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 ये। पहुंच गए हम दूसरे स्थान पे, ये देखो ये देखो, ओह बैक 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 पी पी बैक बैक, बस रोक दो रोक दो, बस बस काम हो गया पूरा, घुड़ा पूरा गाड़ी में हो गया लोड, पूरा सब नौ हो गया गाड़ी में लोड, जैसे क्या दर्श था वो, और हम जा रहे हैं अब आगे को घर की तरफ, और घर और लगभग, और अभी थोड़ा मेरे
सौंफ फट गई है, सौंफ हमारे गांव की रोड आ चुकी है। मुझे याला गुना लग रहा है, गड़बड़ है, घुरने वाला लग रहा है मुझे याला, तो याला। और मैं मेरा हाल देखो, ये कहाँ घुसा दिया मुझे। क्या से क्या हो गया बेजुबान। गड्ढे में डाला मेरा हरी कुमार की सब पीरा डाला। भाई साहब मैं कहाँ घुसा हूँ बता दो यार, अगर मैं जिंदा बच गया तो ब्लॉग अपलोड बोला नहीं होना। भाई साहब मैं ऐसा हाथ हो गया ना, मैं तो क्या बताऊँ। बचाने भैया बचाने, तुम बचाने बचाने बचाने। भाई नहीं, ये गलती बहुत बुरी, बहुत ही गलत भाई, भाई बहुत गलत भाई। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, मैं क्या करूँ बताऊँ, ये मैं क्या करूँ तुम ये बताओ, मैं क्या करूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा भाई, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा। कसम तो बोला हूँ ना, बच्चे से ब्लॉग ना पा रहा हूँ ना कुछ। भाई मैं